नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो बात की थी, पिछले लेक्चर में हमने बात हो रही थी पाचन के बारे में। पाचन की बात करते हैं तो हमने लास्ट क्लास में जो देखा, मुख गुहा में पाचन को पढ़ा हमने। मुख गुहा के अंदर स्टार्च का पाचन कराया जाता है तथा इसके अलावा अगर बात करते हैं मुख गुहा में पाचन के अलावा आमाशय में पाचन हमने पढ़ा। दोस्तों अगर हम बात करना चाहेंगे आज तो छोटी आंत्र में पाचन की चर्चा करते हैं। दोस्तों जब आमाशय में पाचन होता है तो आमाशय के अंदर जब भोजन का पाचन हो जाता है, अगर बात करते हैं 100% पाचन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर बात करते हैं कुछ जो डाइजेस्टेड जो पार्ट जो होता है जिस भोजन का पाचन हुआ है, अर्थात पचित भोजन के अंदर जब विभिन्न प्रकार के जो रस एंजाइम वगैरह मिश्रित किए जाते हैं तो उससे एक विभिन्न मिश्रित रस से एक इस प्रकार के जो लुगदी समान संरचना, या मैं बात करता हूँ एक तरल लेई के समान संरचना जो तैयार होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइम। और ये काइम जो होता है इसको आमाशय में पाचन के पश्चात हमारी छोटी आंत्र अर्थात छोटी आंत्र के जो भाग ग्रहणी की बात करता हूँ, ड्यूडिनम की, इस ड्यूडिनम के अंदर जो यू आकार की जो ग्रहणी होती है इसमें धकेल दिया जाता है। और बात करते दोस्तों इस ग्रहणी की, तो ग्रहणी के अंदर हमारे यकृत पित्त वाहिनी, अगर बात करते हैं जो इसके अलावा अग्नाशय वाहिनी, ये दोनों जब बात इसमें आके खुलती है ग्रहणी में, तो इधर से पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशय रस इसमें ग्रहणी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। दोस्तों ड्यूडिनम अर्थात ग्रहणी के अंदर सर्वाधिक रासायनिक जो पाचन की जो क्रिया हो रही है इसमें सहायक होता है ये, क्योंकि अर्थात इसके अंदर जो पित्ताशय से स्रावित होने वाला पित्तरस जो होता है, बाइल जूस जो होता है, ये वसा का पायसीकरण करवाता है। दोस्तों वसा का पायसीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर बात करते हैं वसा का पायसीकरण क्या होता है, तो वसा के जो बड़े पिंड जो होते हैं, वसा के बड़े पिंड को छोटे अवशोषण योग्य सरल बिंदुकाओं में परिवर्तित किया जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बिंदुकाओं में परिवर्तित करने पर इसका एक जो पृष्ठी क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है, और पृष्ठी क्षेत्रफल बढ़ने के कारण से अर्थात इसका अवशोषण बढ़ जाता है। और दूसरा कारण दोस्तों इसका ये होता है कि हम बड़े रूप को, भोजन के जटिल रूप को अवशोषित नहीं कर सकते, और जटिल रूप को अवशोषित नहीं कर सकते इसलिए जटिल रूप को सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो कार्य होता है बाइल जूस का अर्थात पित्त रस का होता है। दोस्तों पित्त रस की अगर बात करते हैं तो हमारी लीवर जो होती है, इस लीवर के अंदर जो छोटी छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो कोशिकाएं जो होती है, इन कोशिकाओं को कहते हैं हिपेटिक सेल्स, हिपेटिक कोशिकाएं। इन हिपेटिक कोशिकाओं के अंदर पित्त रस का निर्माण होता है, और ये पित्त रस हिपेटिक कोशिकाओं में अर्थात यकृत में निर्मित होने के पश्चात पित्ताशय में संचित हो जाता है, और पित्ताशय में जो संचित पित्त रस जो होता है ये पाचन की क्रिया के दौरान ग्रहणी के अंदर छोड़ दिया जाता है। इस पित्त रस की अगर बात करता हूं, इसकी पीएच 7.5 से 8.5 के मध्य पाई जाती है। ये हरे रंग का तरल होता है जो वसा के पाचन के लिए उपयोगी होता है। और दोस्तों अगर बात करते हैं छोटी आंत्र की पाचन की बात चल रही है, ग्रहणी में और इलियम में पाचन हम पढ़ रहे हैं, छोटी आंत्र जो होती है इसकी लंबाई 6 से और 9 मीटर की समथिंग अगर पाई जाती है, तो बात करते हैं सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण इसी भाग में होता है। अभी हम चर्चा करेंगे कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो विलाई और माइक्रो विलाई उपस्थित होती हैं जो आंत्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ा देती है, जिससे इसके अंदर अर्थात पाचन और अवशोषण अधिक पाया जाता है। दोस्तों अगर और बात करते हैं ग्रहणी के अलावा, इसके अंदर जैसे अभी पित्तरस की बात चली थी, इसी प्रकार से पेंक्रियाज अर्थात अग्नाशय जो होता है, ये अग्नाशय भी अपना अग्नाशय रस ग्रहणी भाग में छोड़ देता है, और इस अग्नाशय रस को ग्रहणी भाग में छोड़ने पर ये अग्नाशय रस जो होता है, ये अग्नाशय रस जो होगा इसके पीए जिसकी पीएच 7.4 से 8.4 अर्थात ये भी क्षारीय प्रकृति का तरल होता है या क्षारीय रस होता है। और इस रस की अगर बात करते हैं इसमें ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय एंजाइम उपस्थित होते हैं। ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, जो ट्रिप्सिनोजन जो होता है इस ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज एंजाइम की सहायता से, अर्थात ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज एंजाइम की सहायता से दोस्तों ट्रिप्सिन में परिवर्तित किया जाएगा। और जो काइमोट्रिप्सिनोजन जो होता है, इस काइमोट्रिप्सिनोजन को ये ट्रिप्सिन जो निर्मित हुआ है सक्रिय रूप में अर्थात ट्रिप्सिन की सहायता से काइमोट्रिप्सिन में बदला जाएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों ट्रिप्सिनोजन की, ये ट्रिप्सिनोजन किस में परिवर्तित हुआ, ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजन परिवर्तित हुआ काइमोट्रिप्सिन में। तो ट्रिप्सिनोजन जो होता है ये ट्रिप्सिन में जब परिवर्तित हुआ तो हमारे इस अग्नाशय भाग से कुछ और अन्य एंजाइम भी स्रावित होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। और बात करते हैं कुछ मात्रा में न्यूक्लियेजेज अर्थात सबके एज लग रहा है, लाइपेज, एमाइलेज,
या न्यूक्लियेजेज, अर्थात जिनकी एज लग रहा है, अर्थात मुख्यतः क्या होते हैं, एंजाइम। और ये एंजाइम जो होते हैं ये पाचन की क्रिया में उपयोगी होते हैं। तो बात करते हैं प्रत्येक एंजाइम के बारे में, कौन सा एंजाइम किस प्रकार से पाचन की क्रिया, कि ग्रहणी भाग के अंदर कौन से भाग का पाचन होगा। तो दोस्तों एक तो अभी पता चला हमें कि वसा जो होती है, वसा को अवशोषण योग्य सूक्ष्म बिंदुकणों में परिवर्तित किया गया। अवशोषण योग्य सूक्ष्म बिंदुकणों का मतलब ये होता है कि जैसे जो फैट जो होगा, इस फैट को लाइपेज एंजाइम की सहायता से, ये लाइपेज एंजाइम जो होता है इसको फैटी एसिड के अंदर परिवर्तित कर देगा। और ये फैटी एसिड जो होता है, अर्थात इसको ग्लिसरॉल के रूप में, परिवर्तित करके और इसका स्टोरेज कर लेता है, इसको संचित कर लेता है। और बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा एमाइलेज की, अर्थात एमाइलेज, जो होता है, एमाइलेज एंजाइम जो क्या करता है, अर्थात हमने मुख्य गुहिका में पढ़ा था स्टार्च जो होता है, लगभग 30% स्टार्च का पाचन हुआ मुख्य गुहिका में। तो शेष बचा हुआ जो स्टार्च जो होता है उसके अगर मैं बात करता हूं तो एमाइलेज एंजाइम की सहायता से इस स्टार्च को परिवर्तित किया जाएगा, अर्थात ग्लूकोज के अंदर, या बात करना चाहूं इसको माल्टोज में, माल्टोज या ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाएगा। अगर बात करते हैं ग्लूकोज और माल्टोज की, तो इसको आगे और, जैसे माल्टोज जो होता है माल्टेज एंजाइम, इसको अगर हमारे इलियम भाग के अंदर क्या कर देगा, ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ देगा। और बात करते हैं दोस्तों एक एंजाइम ट्रिप्सिन, मुख्य रूप से अगर बात करते हैं कि ड्यूडिनम जो भाग होता है इसके अंदर प्रोटीन की, इस प्रोटीन को किस एंजाइम की सहायता से, ट्रिप्सिन एंजाइम की सहायता से। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है इसको पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स के अंदर परिवर्तित कर देगा, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देगा। और अगर बात करते हैं पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स की, तो छोटी आंत्र के इलियम भाग के अंदर, अर्थात इसको एमिनो अम्लों के अंदर तोड़ के और इसको संचित कर लिया जाता है। तो दोस्तों अगर बात कर रहे थे हमारे छोटी आंत्र में पाचन की, सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण, अभी इसमें बात हुई हमारी कि ग्रहणी भाग के अंदर, पित्तरस और अग्नाशय रस की सहायता से पाचन कराया जाएगा। पित्तरस जो होता है, पित्तरस वसा का पारशीकरण, अर्थात वसा का पाचन। और अग्नाशय रस जो होता है, अग्नाशय रस किसका, कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी, वसा का भी पाचन करवाता है। और बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लियेजेज, जो होता है, अर्थात न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, अर्थात न्यूक्लिक अम्लों का पाचन जो होता है न्यूक्लियेजेज की सहायता से करवाया जाता है। और अगर बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक पाचन और अवशोषण की क्रिया छोटी आंत्र में ही क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है, तो आपको पता होना चाहिए एक तो छोटी आंत्र की लंबाई अत्यधिक होती है, और छोटी आंत्र की लंबाई अत्यधिक होने के साथ साथ, अर्थात छोटी आंत्र जो होती है, छोटी आंत्र के अंदर विलाई उपस्थित होती है। और मैं बात करता हूं विलाई की, इन विलाई के ऊपर छोटी छोटी माइक्रो विलाई उपस्थित होती है, विलाई के ऊपर छोटी छोटी माइक्रो विलाई उपस्थित होती है। ये विलाई जो होती है, इनमें माइक्रो विलाई जो होती है ब्रश बोर्डर संरचना के रूप में, अर्थात ब्रश बोर्डर एपिथीलियल, ये जो संरचना होती है इनको तो विलाई बोलते हैं, विलाई हिंदी में अगर बात करना चाहें तो विली भी कहते हैं। और इसके ऊपर छोटी छोटी ये रसांकुर, ये सूक्ष्म अंकुर जो दिखाई दे रहे हैं, अर्थात इनकी अगर बात करना चाहें इनको बोलेंगे माइक्रो विलाई, ये माइक्रोविलाई जो होते हैं ब्रश बोर्डर, अर्थात ब्रश के ऊपर जो छोटे छोटे तंतु होते हैं उनके समान उपस्थित होते हैं। और दोस्तों अगर बात करते हैं इन विलाई क्षेत्र के अंदर, ब्लड वेसल्स जो होती है इनका जाल पाया जाता है, और ब्लड वेसल्स के साथ साथ में अर्थात लसीका वाहिनियां, लैक्टियल्स जो होती है, अर्थात ये भी इसमें उपस्थित होती हैं। और ये जो भाग जो होता है इसको श्लेष्मीय भाग बोलते हैं, ये जो भाग होता है इसको छोटी आंत्र का म्यूकोजल भाग, अर्थात म्यूकोजा अंदर का सबसे आंतरिक स्तर, इसके बाद में ये जो स्तर होता है सेकेंड नंबर पे इसको बोलते हैं सब म्यूकोजा। जो होता है इसके अंदर आपको पता होगा ब्रूनर्स की ग्रंथियां, जो ग्रंथियां होती हैं इनको क्या कहते हैं, आंत्रीय ग्रंथि कहते हैं। इन आंत्रीय ग्रंथियों के द्वारा आंत्र रस का श्रवण होता है। और बात करते हैं नंबर तीन जो स्तर की, ये नंबर तीन जो स्तर होता है ये मस्क्यूलरिस, अर्थात पेशी स्तर होता है। और पेशी स्तर के अलावा अगर लास्ट बात चलती है और सबसे बाहरी पेरिटोनियम, अर्थात सिरोसा स्तर सबसे बाहरी की ओर पाया जाता है। तो
तो हमारे आंत्र के अंदर पाए जाने वाले चार स्तर, सबसे बाहर की ओर पेरिटोनियम, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। तो हम पाचन और अवशोषण की बात कर रहे थे, क्यों? आहार नाल के अंदर कर्मानुकुंचन गतियां उपस्थित होती हैं। इन कर्मानुकुंचन गतियों की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो विलाई होती है, इन विलाई के ऊपर छोटे छोटे माइक्रो विलाई ब्रश बॉर्डर संरचना के रूप में उपस्थित, और जब पाचन की जब क्रिया होती है उस दौरान यहाँ पे कुछ मात्रा के अंदर जो फूड होता है उसको स्टोरेज कर लिया जाता है रिजर्व फूड के रूप में। अगर बात करते हैं, कई बार जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि को खाते हैं, भोजन में मुख्य रूप से चपाती, चावल इत्यादि खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को अधिक मात्रा में खाया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये तुरंत अर्थात जल्दी ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ होता है, जबकि वसा जो होती है अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है बट देरी से करती है। तो ये बात हमारी हुई थी यहाँ पे छोटी आंत्र में पाचन के बारे में। दोस्तों अगर बात करते हैं छोटी आंत्र में पाचन के पश्चात अगर आगे बात करना चाहें कि जो भोजन होता है इस भोजन को बड़ी आंत्र के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। छोटी आंत्र में जैसे यहाँ अभी हमने बात की ग्रहणी भाग में पाचन की, और ग्रहणी भाग में पाचन के अलावा अगर आगे बात करना चाहें थोड़ा सा ईलियम में पाचन के बारे में और चर्चा करना चाहें, ईलियम में पाचन की अगर बात आएगी तो छोटी आंत्र का जो भाग होता है ईलियम, इस ईलियम के अंदर जो मुख्य रूप से सर्वाधिक, जैसे क्षुद्रांत्र बोलते हैं इसको, क्षुद्रांत्र में सर्वाधिक पाचन होता है और सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया पाई जाएगी, क्योंकि जो ईलियम जो भाग होता है इस ईलियम भाग के अंदर अर्थात विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ जो थे, मैं बात करना चाहूं सबसे पहले जैसे अभी हमने बात की थी फैट की, इस फैट को किस रूप में परिवर्तित किया, फैटी एसिड के अंदर, इस फैटी एसिड को बदला जाएगा ग्लिसरोल के अंदर, ग्लिसरोल में। इसके बाद में अगर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित किया जाएगा अर्थात यहां पे जो बात करते हैं माल्टोज में, इस माल्टोज को बदला जाता है यहां पे ग्लूकोज में, और बात करते हैं प्रोटीन की, प्रोटीन को परिवर्तित किया जाएगा पेप्टोन्स में, इस पेप्टोन्स को बदलेंगे लास्ट के अंदर एमिनो एसिड में, अर्थात भोज्य जो खाद्य पदार्थ जो होता है इसके जटिल रूप को सरल रूप में और सरल से और भी सरल रूप में, ताकि जिसको हमारे शरीर के अंदर संचित किया जा सके ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, एमिनो एसिड इत्यादि के रूप में। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे ग्लूकोज हुआ, इस ग्लूकोज का निर्माण माल्टोज जो होता है, इस माल्टोज को ग्लूकोज में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, जो पेप्टोन्स होता है इसको एमिनो एसिड के अंदर किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, तो इसके बारे में अगर चर्चा करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान होगा अर्थात पेप्टिडेज जो एंजाइम जो होता है, पेप्टिडेज जो एंजाइम होता है इस पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल के अंदर तोड़ेगा, एमिनो अम्ल के अंदर तोड़ता है इसको। अगर बात करते हैं आगे, जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारी आंत्र का जो क्षुद्रांत्र जो भाग होता है इसके अंदर, और आगे पाचन की बात करते हैं तो आपने सुना होगा माल्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, अर्थात जो माल्टोज जो होता है, इस माल्टोज की अगर मैं बात करता हूं अर्थात इसको ग्लूकोज के दो अणुओं में तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और इसके साथ ही साथ अगर बात करता हूं जैसे लैक्टोज, सॉरी एक सेकेंड, लैक्टोज की, लैक्टोज जो होता है, इस लैक्टोज की अगर बात करते हैं दोस्तों तो लैक्टोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज में तोड़ा जाएगा इसको, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज, और साथ ही साथ अगर बात करना चाहें इसके साथ सुक्रोज की, सुक्रोज, सुक्रोज जो होता है दोस्तों सुक्रोज को परिवर्तित किया जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, अर्थात लास्ट के अंदर जो ग्लूकोज होता है ये हमारे शरीर के अंदर एनर्जी प्रदान करने के लिए उपयोगी पदार्थ होता है, अर्थात जटिल रूप को सरल रूप में जो हमारी छोटी आंत्र का जो भाग था इसके अंदर इसको परिवर्तित कर दिया गया, और लास्ट में कुछ मात्रा के अंदर जो लाइपेज जो होता है थोड़ा बहुत, अर्थात लाइपेज जो होता है वसा जो होती है वसा को लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैटी एसिड, और मैं बात करता हूँ लास्ट के अंदर ग्लिसरॉल में वसा जो होती है इसको लाइपेज एंजाइम, जो होता है ये किस में परिवर्तित कर देगा, फैटी एसिड में, और फैटी एसिड जो होता है अर्थात इसको फैटी एसिड को किस में बदला जाएगा,
ग्लिसरोल में, अर्थात यहां माल्टोज जो होता है, माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर तोड़ने के लिए, माल्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ने के लिए लैक्टेज, और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने के लिए दोस्तों सुक्रेज एंजाइम उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार से अगर बात करते हैं हमारे ईलियम भाग की, सर्वाधिक पाचन और अवशोषण और किस प्रकार से जटिल रूप को सरल रूप में तोड़ा। साथ ही साथ अगर बात करना चाहें दोस्तों यहां से, अब छोटी आंत्र जो होती, छोटी आंत्र से जो भोजन का जो मुख्य रूप से पाचन